सीबीआई की जज जांच मान ली है और यही मांग थी। अब सुपरविजन तो हाईकोर्ट की अपने आप ही हो जाती, सीबीआई भी जाती है। सीबीआई जो मुद्दे उठे हैं उसे पता देगी, तय तक जाएगी, जांच होगी कि क्या कारण थे, आया पॉलिटिकल रन था और कोई कारण था, व्यक्तिगत था, सब बताएंगे। क्योंकि इस बात की भी जांच होगी, जब इसे कहा उन्होंने कि भाई सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, सिक्योरिटी मांगी गई थी, नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई। गृहमंत्री ने भी बोल दिया था सर, गृहमंत्री ने भी बोल दिया, मेरी पुलिस क्या करती है, मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है, जान लगाती है। और इस केस को भी हम पढ़ रहे हैं, अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया जी, ठीक है। जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई, ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन को आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते, कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और ये तो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपने दलाल के माडोटी के जयकिशन, उनको वो उनकी मृत्यु हुई, दो गंभीर घायल हैं, उससे पहले कई बार। तो ये सब आपके सामने है, तो मैं जब गृहमंत्री जी जवाब देंगे, मैंने एफआईआर में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन एफआईआर कुछ भी हो सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ। और आज हमारी स्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये, क्यों केंद्र क्या कहाँ हम खड़े हैं, ये आज मैं गृहमंत्री से कहूंगा कि एनसीआर की जो रिपोर्ट है किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे, ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे। और इसमें कोई दोहराई नहीं, अब सवाल इस बात का है, एक किसान की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं, वो कहते हैं भाई पंजाब में हुई, और हरियाणा के एसपी कहते हैं तो हरियाणा की ज्यूरिडिक्शन में हुई, ज्यूरिडिक्शन किसकी है, ये क्या मामला हो रहा है, कानून व्यवस्था कहां जा रही है, इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी, ज्यूरिडिक्शन का भी चार दिन के बाद बयान आए, और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, विधायक की बात छोड़ो, विधायकों तो हम पहले भी कंप्लेंट कर चुके। तो इसकी तो एक ही है तरीका जो हुआ है, ये केवल एक पूर्व विधायक के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के हित में है कि जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देख रेख में किया जाए। क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहां सवाल उठ गए, कई ने कहा जैसे पढ़ा, इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी, अभय चौटाला जी का बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, एसपी से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, आईजी को किया गया, जिस को भी किया, तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा, क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है उन्होंने, दो तीन तीन डीएसपी, या मैं अखबार में पढ़ा था एक एसपी या दो तीन डीएसपी आपने बिठाए हैं कि जांच करो, वो नहीं है, वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच सीबीआई द्वारा इस बात की होनी चाहिए, आया उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी, मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे, ये इस बात की होनी जांच, इसी वास्ते मांग कर रहे हैं
कि इससे सीबीआई की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देख रेख के से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं, और साहब पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्ष साथी बोले, आप क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, और ये आज पूरा हरियाणा और हमारा इलाका शोकगुल है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, और अपने चरणों में नफे सिंह जी की आत्मा को स्थान दे। हरियाणा प्रदेश में हर रोज हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, रेप के मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में, देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। एनसीआरबी गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा रेप में देश में नंबर एक है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर एक, किडनैपिंग का दर नंबर एक, और मर्डर में देश में नंबर दो, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर दो। और इस यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। जो इस पर चिंता व्यक्त की गई, माननीय प्रदेश के हमारे होम मिनिस्टर साहब ने सीबीआई जांच के जो आदेश, उन्होंने कहा है कि मैं इसकी मंजूर करता हूं, होनी चाहिए। प्रदेश में सुरक्षा पूरी तरह से हर आम जनमानस को मिलनी चाहिए। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जब उन्होंने 2014 तक के आंकड़े बताए, तो एनसीआरबी के जो हमने आंकड़े जो हैं 2022 तक के भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सिग्नेचर्स के साथ में वो रिपोर्ट जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दी है कि चिंता का विषय है, इसमें आम जनमानस को भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैडम, आप लोग जैसे सदन में लगातार मांग उठा रहे सीबीआई की, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायक मामले लगातार चुप रहे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था पर हमने मांग की है, तो सत्ता पक्ष को भी उठकर जो है एक चुने हुए व्यक्ति, एक पार्टी के अध्यक्ष का मर्डर हो गया, सत्ता पक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। ये उनकी चुप्पी जो है प्रदेश पर बहुत भारी पड़ेगी। उनकी चुप्पी की वजह से आज जो है उनको भी ये बात उठानी चाहिए, अपने कॉल अटेंशन लगाएं, प्रश्न लगाएं कि जो इस समय कानून व्यवस्था खराब हो रही है, इस पर तो सभी को ही सहमति जतानी चाहिए थी कि सीबीआई की जांच जो है वो होनी चाहिए। उनको ज़रूर बोलना चाहिए था कि आज जो प्रदेश में पिछले दिनों आपने देखा गोहाना में माथुराम जो जलेबी वाले हैं उनके ऊपर हुआ, सांपला में व्यापारियों पर हुआ, झज्जर में हुआ, जगह जगह हो रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो चिंता का विषय। इसमें सभी को मिलकर, हमने शुरू में ही कहा ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ना ही हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हमने कानून काम रोको प्रस्ताव दिया है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सभी को सुरक्षा इसमें सुनिश्चित करने का काम प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैडम, आप सीबीआई की जाँच से देखिए, सीबीआई की जाँच हो रही है, कम से कम सीबीआई की जाँच सिटिंग जज से होगी और जल्दी से जल्दी है। हमारे विधानसभा में जितनी भी जांच कमेटी बिठाई गई हैं, चाहे वो घोटालों पर हो या पिछले दिनों मैंने कहना चाहती जो झूठे एलिगेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगाए गए, उसकी कमेटी के पास रिपोर्ट आ चुकी है क्योंकि वो मामला झूठा। मतलब हम चाहते हैं जो भी जांच कमेटी बिठाई जाए तुरंत उसकी जांच भी आनी चाहिए और वाकई ही न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म का पालन करते हुए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के तरह से नफे सिंह राठी जी की हत्या करी गई है, गोलियां दागी गई हैं उन पर और उनके सहयोगी की मौत हुई है, और उनके साथ जो लोग थे वो आज बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर अपनी जान के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी हम पूरी तरह से जो है इसकी निंदा करते हैं, और ये बहुत ही घिनौनी हरकत जो हुई है वो इस कारण हुई है कि आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अच्छा कदम है हाई कोर्ट ने, नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकारा कि ये सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये जब ये बात कही कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है, और जो एफआईआर के अंदर जिनके नाम लिए गए हैं बताया गया सदन में कि वो कोई एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं, तो निष्पक्ष जाँच हो इस बात के लिए जो है हमने सीबीआई इंक्वायरी की बात करी और वो गृह मंत्री ने मानी, हम उसका स्वागत करें।